पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है और यही वजह है कि यहां रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। नॉर्दर्न अंटार्कटिका में अब तक सबसे ज्यादा तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंटार्कटिका को स्नो, आइस और पेंगुइन के लिए जाना जाता है और यह अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। एक अर्जेंटाइन रिसर्च बेस एस्पेरेंजा पर यह तापमान रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO द्वारा इस रीडिंग को वेरीफाई किया जाना बाकी है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकॉर्ड किए जाने वाले तापमान के रिसर्च करने वाले रैंडेल केरवैनी ने कहा कि अभी तक हमने जो देखा है उससे संकेत मिलते हैं कि ये रिकॉर्ड वैध है। उन्होंने बताया कि इस रीडिंग की पुष्टि करने के लिए वो पूरे डेटा के आने का इंतजार कर रहे हैं। एस्पेरेंजा पर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये इकलौता रिकॉर्ड नहीं है जो इस हफ्ते टूटा है। अंटार्कटिका के मारांबियो साइट पर फरवरी 1971 के बाद से सबसे ज्यादा तापमान रजिस्टर किया गया। थर्मोमीटर्स ने 14.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जो कि फरवरी 2013 से ज्यादा है। खौफनाक है तापमान वृद्धि वाली रिपोर्ट्स। ग्रीन पीस के लिए अंटार्कटिका को लेकर एक अभियान को लीड कर रही फ्रीडा बेंगस्टन ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत खतरनाक है, खौफनाक है और चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि हम पिछले एक महीने से अंटार्कटिका में हैं और नाटकीय बदलाव को नोट कर रहे हैं। पिछले महीने हमने पेंगुइन कॉलोनियों में खासी कमी देखी। इसकी वजह इसके मूल पर्यावरण में क्लाइमेट बदलाव का होना है। WMO के मुताबिक अंटार्कटिका पृथ्वी पर मौजूद सबसे तेजी से गर्म हो रहे क्षेत्रों में से एक है। मिट जाएंगे दुनिया के 11 शहर। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बर्फ पिघलने की दर से अगले 100 वर्ष में समुद्र जल स्तर 3 मीटर बढ़ेगा। ये दुनिया की बड़ी तबाही होगी। 1.42 करोड़ वर्ग मीटर क्षेत्र के अंटार्कटिक की पूरी बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर 60 मीटर बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी पर प्रलय ले आएगा। बढ़ते जल स्तर का खतरा कितना वास्तविक है इसे ऐसे समझें कि साल 2100 तक हिंद महासागर में मौजूद मालदीव डूब जाएगा। आज वो भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से जमीन खरीद अपने नागरिकों को जलवायु शरणार्थी बनने से बचाने में जुटा है। इंडोनेशिया का जकार्ता, नाइजीरिया का लागोस, अमेरिका का ह्यूस्टन, फ्लोरिडा और न्यू ऑरलियंस, बांग्लादेश का ढाका, इटली का वेनिस, वर्जीनिया का वर्जीनिया बीच, नीदरलैंड का रोटरम, मिस्र का अलेक्जेंड्रिया शहर डूबने की कगार पर है। बिखरने वाली है अंटार्कटिक की बर्फ। जिनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रवक्ता क्लेयर नलिस ने कहा कि यह आंकड़ा सही लग रहा है। ये तापमान महाद्वीप के उत्तर में अर्जेंटीना के एस्परांजा बेस पर दर्ज हुआ है। यहाँ इतनी गर्मी तो गर्मी के मौसम में भी नहीं होती जब तापमान 15 डिग्री तक जाता है। आशंका है कि यही हालात रहे तो अंटार्कटिक से इतनी बर्फ पिघलेगी जो समुद्र का जल स्तर अगले 8 दशक में 3 मीटर बढ़ा देगी। इससे कई द्वीप देश और तटीय शहर डूब जाएंगे। पिछले 12 सालों में तेजी से पिघले ग्लेशियर। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस बात की पुष्टि की है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का तापमान पिछले 50 साल में 3 डिग्री बढ़ा है। संगठन ने यह भी बताया कि इस दौरान पश्चिमी तट पर लगभग 87% हिस्से पर ग्लेशियर पिघलकर पीछे हट रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में सबसे तेजी से ग्लेशियर पिघले हैं। साल 2015 में तापमान 17.5 डिग्री और अंटार्कटिका के दूरस्थ क्षेत्र में 1982 में 19.8 डिग्री दर्ज हुआ था। अब वैज्ञानिकों का दावा है कि बढ़ते वैश्विक तापमान से अंटार्कटिक पर औसतन 1.9 किलोमीटर मोटी परत के रूप में मौजूद बर्फ बिखरने को है। इसके पिघलने की गति 1979 से 2017 तक 6 गुना बढ़ चुकी है। कई ग्लेशियर्स में दरारें आ रही हैं।